तो आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है रोहित पांडे के एक नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग जा रहे हैं दिल्ली से आगरा। आगरा में दो तीन जगह घूमेंगे, ताजमहल और आगरा फोर्ट। इसके अलावा एक दयाल बाग नाम की कोई जगह है, सुने बहुत अच्छी है, बहुत खूबसूरत जगह है, क्या है पता नहीं। और क्या, हवा बहुत अच्छी चल रही है। हाँ 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 यहीं कहीं यार, वो थे ना आनंद प्रभु का लाइब्रेरी। आनंद प्रभु का वाला बेस नहीं है। अच्छा, वो लाडो सराय, बेर सराय। तो अगर आगरा जाना हो तो सबसे अच्छा रास्ता है ट्रेन का। बस बहुत ज़्यादा समय लग जाता है, 3-3.5 घंटे से ऊपर लग जाते हैं। अगर आप ट्रेन से जाएंगे तो आप 2 घंटे में पहुँच जाएंगे। तो हम लोगों की ट्रेन 11:30 बजे और हम लोग को 2 बजे पहुँचा देगी। 12, 1, 2, 2.5 घंटा ना कि 1.5 बजे पहुंचा देगी। मतलब 2.5 घंटा लगेगा, लेकिन कुछ सुपर फास्ट ट्रेनें भी चलती हैं जो कि आपको और भी जल्दी पहुंचा देती है, मतलब 1.5 से 2 घंटे में। लेकिन हम लोग को जो ट्रेन मिली है वो लेगी 2.5 घंटा। तो अभी हम लोग की ट्रेन कहाँ से, निज़ामुद्दीन स्टेशन से। तो हम लोग जा रहे हैं निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन बाई मेट्रो, पहले टेम्पो से मेट्रो स्टेशन, फिर मेट्रो स्टेशन से निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन, वहाँ से पकड़ेंगे ट्रेन और सीधे पहुंच जाएंगे आगरा। और टिकट हमने लिए स्लीपर की, 2S में भी था लेकिन हम लोगों ने सोचा स्लीपर में ले लेते हैं क्योंकि 2S में कुछ एक्स्ट्रा लोग भी आकर के बैठ जाते हैं, तो थोड़ा दिक्कत होता है। इसीलिए हमने अभी फ़िलहाल हम लोग हाईवे पे आ गए हैं। तो हाईवे क्या है, दिल्ली की तो छोटी सड़कें भी ऐसी होती चार लोग की। बस पकड़ लिए 5 रुपया दे करके साकेत मेट्रो के लिए। फिलहाल इसी जगह हम आए थे ऑटो से 40 रुपया दे करके। तो बस एक अच्छा ऑप्शन है अगर आपको मिल जाए तो, लेकिन आप नए नए हैं तो ऑटो ही पकड़ लेगा, नहीं तो पता लगेगा कहीं और पहुंच जाएंगे। राहुल मेरे पीछे खड़ा है, तो फिर मिलते हैं आगे। हम लोग उतर गए बस से और अभी हम लोग जाएंगे मेट्रो स्टेशन में। पता नहीं कहाँ से रास्ता है, उधर से है। अगर इसी कारण यही पुल पार करके गए थे, ये पुल पार करके उधर गए थे, कुतुब मीनार दिखाई दे रहा था इसी पुल से जो हम रील बना के डाले हैं। अंकल जी, ये वाला जो गेट है वो खुला है? हाँ, इसीलिए तो हम आए थे। तो एंट्री किधर से जाना, 2 नंबर कहाँ, रोड उस पार है क्या? ओ माई गॉड, आए थे इस गेट से तो उस पार जाना पड़ा था ऑटो पकड़ने के लिए, जा रहे हैं तो फिर उस पार जाना है ऑटो पकड़ने के लिए। तो यहाँ साकेत मेट्रो स्टेशन से हम लोग जाएंगे कहाँ, निज़ामुद्दीन मेट्रो स्टेशन तक। एक बार बदलना भी पड़ेगा, येलो लाइन राजीव चौक से? नहीं, INA। अच्छा, INA का फुल फॉर्म लिफ्ट। चलो सीढ़ी चढ़ोगे कि लिफ्ट कर रहे हो? उधर कुतुब मीनार दिखाई देता है, लेकिन कुतुब मीनार देखना हो तो पास से जाकर देखिए पुल से, फिर उसका ऊपर का लिफ्ट। तो हम लोग आ गए लिफ्ट में। थोड़ा बहुत थोड़ा ही बहुत बनाते हैं यार भाई। यार हम लोग इसी लाइन में लगेंगे कि ऊपर चल के लगना पड़ेगा? लिफ्ट वालों को है कुछ छूट? तो हम लोग लिफ्ट पे आ गए साकेत रेलवे स्टेशन। ऐसे किस्म से लिफ्ट बंद करनी चाहिए। हाँ सही बात है। तो यहाँ पर पूरा हाँ टेम्परेचर प्लस सैनिटाइजर। हाँ
तो यहाँ मेट्रो कुछ ज्यादा ही लोग आए हैं। अरे ऐसे ही लाइन दिल्ली में नहीं लगी थी, तो अगर लेडीज होते तो हम लोग भी जल्दी चले जाते। लेडीज फर्स्ट हो रहा है यहाँ पे, अलग लाइन है। अरे लड़का भी अलग जा रहा है। तो अब मेट्रो की चेकिंग करके फिर मिलते हैं मेट्रो में। अभी हम लोग पहुँच गए हैं मेट्रो स्टेशन पे। ये पीछे प्लेटफॉर्म है, ये जमीन के 25-30 मीटर तो होगा ये, और ये पूरा अंडरग्राउंड लाइन है निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन तक। जो ओल्ड लाइन है पूरा अंडरग्राउंड है, जो बाद में बनी है सब एलिवेटेड बनी है। तो फिलहाल हम लोग ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं। तो हम लोग बहुत किस्मत है कि हम लोगों को मेट्रो में बैठने की जगह मिल गई है, नहीं तो खड़े ही होकर जाना पड़ता है। और फिर कभी क्या होती है कि वृद्ध या महिला सीट मिल जाती है तो कोई आता है तो उठना पड़ता है, बढ़िया खड़े ही रहो। फिलहाल ट्रेन कुतुब मीनार से लग रहा आ रही थी तो पूरी खाली थी, तो हम लोगों को बैठने की जगह मिल गई और बहुत कम ही लोग हैं जो यहाँ पर खड़े हैं। और ये राहुल भाई ने मुझे गिफ्ट दिया है स्कूल के लिए, हेडफोन जिसको मैं कभी यूज़ नहीं करता हूँ, बस लटका लिया है 100 पीस में। कभी ज़रूरत पड़ेगी रात की रात और लोग रहेंगे तो डिस्टर्ब ना हो तो अपना इससे काम चला लेंगे। तो यहाँ से 26 मिनट लगेगा साकेत से ITO जाने में, ITO नहीं INA, और फिर INA से फिर हम लोग ट्रेन स्विच करेंगे और जाएंगे निजामुद्दीन। और निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से हम लोग को पकड़नी है ट्रेन आगरा के लिए। ट्रेन का नाम नहीं पता है, जब बैठेंगे तब बताएंगे। तो बने रहिए साथ में और लेते रहिए मज़ा। दिल्ली हाट INA मेट्रो पे उतरे हैं और यहाँ से जा रहे हैं ट्रेन स्विच करके निजामुद्दीन। पिंक लाइन पे पड़ता है वो। पता कर लो, नहीं पता है नहीं तो कर। ऐसे नहीं पता। अच्छा ट्रेन मतलब किस दिशा में जाएगी ये पता है? बहुत बार निजामुद्दीन, हम तो पहली बार जा रहे हैं निजामुद्दीन स्टेशन। मेरे ख्याल से मजलिस पार्क की तरफ, क्योंकि निजामुद्दीन भी मुस्लिम नाम है और मजलिस पार्क भी, तो हो सकता है पास पास हो, पुरानी दिल्ली में कहीं होगा, क्योंकि नई दिल्ली में तो ऐसे नाम नहीं। एक जो है वो तिलोकपुरी साइड जाता है। अच्छा, अब वो मुझे पता नहीं, वो शायद वो तिलोकपुरी वाला शिव विहार है जो भी हो। संजय झील की तरफ जाना ये पता है। संजय झील की तरफ जाना तो गेट नंबर 4 लिखा है। अच्छा बाई रोड वाला दिया है। तो मेट्रो स्टेशन तो यार जैसे मॉल में आप घूम रहे हैं, ऐसा है दिल्ली का, कोई नई बात नहीं है। मतलब आप लोग आए होंगे तो पता होगा, लेकिन बहुत लोग अभी नहीं आए दिल्ली। तो हमें शिव विहार की ओर जाना है और एक ना निजामुद्दीन की ट्रेन आ रही है। ये मतलब मॉल जैसा ही बना है मेट्रो, और 25 साल हो गए दिल्ली मेट्रो को और बहुत ही बढ़िया इसका रिस्पांस रहा है। बस एक दीवार पार करने के लिए हम लोग एक एक्सीलेटर से उतरे और दूसरे पे चढ़े। पेंटिंग बहुत अच्छा है यार, ऐसे घर पे बनवा लें। अच्छा वेंटिलेशन का सिस्टम बहुत अच्छा है यार अंडरग्राउंड में, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, लग रहा है एसी वाली हवा है तगड़ी, जैसे शिमला में आ गए हैं जमीन के नीचे। ठंडक का तो लेवल अभी बहुत बेहतरीन है। हाँ
No one to mislead. This is all you need. Be your everything, yeah, I'll be your everything. Still too soon to feel. Please just say it's real. More than just a thrill. Not just in it for the thrill. I'm in it for the love. Cause love it needs to touch it. तो अभी हम लोग आ गए हैं हज़रत निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन, और हम लोग पीछे के साइड से स्टेशन से एंट्री लिए थे। फर्स्ट मतलब जो प्लेटफॉर्म नंबर एक है वो इधर है, और मेट्रो जो है वो पीछे साइड में ही है, यानी प्लेटफॉर्म नंबर 8 की तरफ। और रेलवे स्टेशन बगल में ट्रेन आ रही है, हम लोग की ट्रेन आएगी प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे 10 पे आएगी। 11:03 हो रहा है और 11:25 पर उसको यहाँ से डिपार्चर है फॉर आगरा, अमृतसर से आ रही है। तो फिलहाल 2 मिनट लेट है खाली, और यहाँ से राइट टाइम हो जाएगी क्योंकि 11:10 पे आएगी, 11:25 पे जाएगी, तो काफ़ी लंबा वे हाल्ट है, तो 2 मिनट तो कवर कर ही लेगा। पीछे राहुल प्रभु अपना माला जपते हुए, माला नहीं जप रहे हैं अभी, खाली देख रहे हैं इधर उधर। तो फिर मिलते हैं आगे जब ट्रेन आ जाती है, और करते पहुँचते हैं आगरा। हम लोग आ गए ट्रेन के अंदर, राहुल जी का मीटिंग ख़त्म ही नहीं हो रहा है, तो ठीक है कोई बात नहीं। और अभी हम लोग यहाँ से चल रहे हैं आगरा की तरफ। ट्रेन राइट टाइम तो नहीं आई है, लेकिन राइट टाइम जाने की पूरी उम्मीद है। 11:25 पे यहाँ से निकलने का समय है, तो जब निकल जाएगी तो रास्ते के कुछ दृश्य होंगे तो दिखाएंगे, अगर ताजमहल आजमहल दिख गया ट्रेन से, नहीं तो फिर मिलेंगे आगरा में। Thank you.